सबों को जय यीशु। हमारी पहली संतान प्रभु ने एक बेटी के रूप में दिया था, जिसे 2020 में प्रभु ने उसे अपने पास बुला लिया। उस दरमियान हम बहुत कष्ट में थे, बहुत दुख में थे, और उस स्थिति में हमने प्रार्थना योद्धा में आया और हमने अपना रिक्वेस्ट दिया कि हम इस दुख से हम बाहर नहीं आ पा रहे हैं, और इसके लिए हमने प्रार्थना दिया। और उस प्रार्थना के दौरान हमें प्रकाशना में दिया गया कि बहुत जल्द ही संतान की प्राप्ति होगी। और मैंने कहा कि मैं एक बार डॉक्टर से मिलना चाहती हूँ, क्योंकि पहली बेटी को जन्म से ही हृदय रोग, जो गंभीर रूप से था, हम लोग उसे देखे थे, और बहुत कष्ट के साथ हम लोग एक साल उसके साथ गुजारे थे। इसलिए मैं डॉक्टर से मिलना चाहती थी। तब ब्रदर राज ने ही डॉक्टर का नाम सजेस्ट किया और उसके बाद उस डॉक्टर के पास भेजा। और जैसे ही हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने सारे टेस्ट किए और उसके बाद उसने कहा कि आप नॉर्मल रूप से कंसीव नहीं कर सकती हैं, जबकि मैंने फर्स्ट बेबी नॉर्मल रूप से ही कंसीव किया था। और डॉक्टर ने कहा कि सिर्फ टेस्ट ट्यूब ही तुम्हारे लिए एक सॉल्यूशन है। मैंने कहा कि ठीक है डॉक्टर, कुछ तो समय होगा ना कह के। तब डॉक्टर ने कहा कि ऐसे भी तुम लोग हस्बैंड वाइफ अलग अलग रहते हो, दूर दूर रहते हो, तो ये तो संभव है ही नहीं। लेकिन प्रभु की इच्छा थी कि जैसे ही प्रकाशना मिला, 3 या 4 मंथ ही हुए होंगे कि प्रभु ने मुझे नॉर्मल रूप से कंसीव किया। और उस दरमियान मैंने गर्भावस्था में बहुत तकलीफ़ें देखी। जब जो भी टेस्ट के लिए डॉक्टर ने कहा, हर टेस्ट में कुछ ना कुछ परेशानियां आती गईं। और लास्टली 5 मंथ में डॉक्टर ने कहा कि एक NIPT टेस्ट करना होगा, और अगर ये टेस्ट नॉर्मल नहीं आया तो बेटी अब नॉर्मल भी हो सकती है और उसे हटाना पड़ेगा। मैंने सब कुछ प्रभु को सौंप दिया और लगातार प्रार्थना योद्धा से जुड़ी रही, और अंततः वो NIPT टेस्ट भी नॉर्मल आया। लेकिन फिर भी उसके बाद लेवल 2 का स्कैन हुआ तो कहा गया कि नहीं, बेबी के प्लेसेंटा में और किडनी में कुछ प्रॉब्लम है, जो कि बर्थ के बाद ही उसका सॉल्यूशन हो सकता है, इस दरमियान नहीं हो सकता है। तब भी प्रार्थना योद्धा ने यही कहा कि सब चीज़ ठीक हो जाएगा, बस प्रभु में विश्वास रखो और प्रार्थना करती रहो। और हमने वही किया, और अंततः 2021 नवंबर में प्रभु ने हमें एक स्वस्थ और सुंदर बेटी के रूप में दिया। और ये बेटी बिल्कुल पहली बेटी की तरह ही दिखती है, और सारा इसका एक्टिविटी, जो भी ये खेल कूद करती है, पहली बेटी की तरह ही सारा एक्टिविटी करती है। और प्रभु ने इस बेटी को हमें पहली बेटी की तरह ही पूर्ण रूप से हमें प्रदान किया है। हम इसके लिए प्रभु को और प्रार्थना योद्धा को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और दूसरी बड़ी गवाही है कि जब से हमारे वैवाहिक जीवन में एक कोर्ट केस आ गया था, और जिसके कारण हम तकरीबन 5 साल तक जूझते रहे, और हमें प्रभु की दासी ने कहा, विशेषकर मुझे, कि इस परिस्थिति में तुम मत डगमगाओ, स्थिर बने रहो और कभी पीछे मत हटो, अपने जीवन साथी को हमेशा साथ देना, और इस केस के कारण तुम अलग बिल्कुल मत होना। और मैं विश्वास में बनी रही, प्रार्थना करती रही, और ये प्रार्थना योद्धा भी, टीम भी, पूरे परिवार प्रार्थना करते रहे, और अंततः 5 साल के बाद इस वर्ष 2022 में अगस्त में उस कोर्ट केस से भी हमारे वैवाहिक जीवन में मुक्ति मिली, आज़ादी मिली। प्रभु को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सबको हमारे इस गवाही से विश्वास को बढ़ाए और प्रभु को महिमा मिले। धन्यवाद।